दोस्त नमस्कार, नीचे आ गए हैं जी। सभी को राम राम है जी, सलाम सत श्री अकाल। दोस्तों पापा जी और बबलू भाई अभी नहीं पहुंचे हैं, तो वो मिट्टी चढ़ाने की जो दोस्तों बहुत दिन से वो चल रही थी, उसकी खोज कर रहे थे कहाँ से मिले कहाँ से मिले कहाँ से मिले। तो दोस्तों उसका यही था, खोज करते करते उसका पता जो था बहुत दूर चला। तो वो जो सरप्राइज़ है आपको दिखाएंगे दोस्तों, आज वो पहुँचेगा। ये वीडियो तो आप 2-3 दिन बाद देख रहे होंगे दोस्तों। एक बार मैं चारा काट देता हूँ, क्योंकि जब खेत से आए थे तो खाने का टाइम निकला जा रहा था, उधर बिजली आ नहीं रही थी। अब देखो बिजली आ रही है, इंडिकेटर चल रहा है देखो। तो ये चीज़ है जी दोस्तों, फटाक से कर देते हैं, चारा काट देते हैं बहुत जल्दी करके। दोस्तों काट दिया है जी, और अब इन्हें उतार के दोनों बोझों को इन्हें पलटी दे के इन्हें यहाँ रख देंगे हिच पे। तो फिर सुबह तक बुग्गी सूख जाएगी, तो फिर बुग्गी में रख लेंगे। दोस्तों यहाँ साफ सफाई पूरी कर दी है, इनका पूरा बचाव करते हुए। बाकी चारा डाल दिया है जी इन्हें। तो दोस्तों मौसम आज जाके साफ हुआ है, एक हफ्ते से बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही थी। गन्ने में बहुत ज़्यादा बीमारी आ गई है, अपने गन्ने पे ध्यान दे लो, दवाई डाल लो, रीजेंट फर्टेरा डाल दो मिला के, आपको बेनिफिट रहेगा। यूरिया में मिला के डाल दो, या सूखे रेत में गोबर की खाद में मिला के डाल दो। लेकिन स्प्रे कर सकते हो तो ऊपर से कीटनाशक का फंगीसाइड का स्प्रे कर दो, बेनिफिट रहेगा। और दोस्तों गौर करने की बात बताऊंगा, देखो आप इस पर मत लेना कि ये काली कपीला है या कुछ भी है, हम इसकी सेवा कर रहे हैं, वो कोई बात नहीं है। वो तो सभी भाइयों को पता है कि 5-6 साल से कोई दूध का बच्चे का कोई चक्कर नहीं है, बस प्रेम है जी आपस में एक दूसरे से। तो इसलिए अपना गाड़ी आगे चल रही है। इतना दोस्तों ये चारा खाएगी, 10 से 15 मिनट में तो चारा खा लेती है। ये एक अच्छे पशु की बात बताऊंगा आपको, जो एक दुधारू पशु हो, चाहे घोड़ा हो चाहे उसमें कोई भी हो, कभी भी देखो पैर नहीं, इतने कितनी मक्खी लग रही है देखो पैरों पर, इतना चारा खाएगी, इतना ना पैर पटकने की ना पूंछ चलाने की बिल्कुल भी। बेशक जो है ऊपर पंखा चल रहा है चलो ठीक है, लेकिन ये एक गुण होना चाहिए जो आप सबसे पहले देखो, जो पशु चारा खाते हुए दोनों साइड में चारा खिंडाएगा या पैर पटकता रहेगा इधर उधर भगता रहेगा, वो पशु कभी भी खरीदना नहीं चाहिए। वो पशु आपके जो है खूंटे का वास्तु बिगाड़ देता है। ये मैंने इस तरह की भैंस डेयरियों में बहुत देखी, क्योंकि उन्हें तो यो है भाई 10 लीटर कम पड़ रहा, 8 लीटर की मिलगी, 6 की मिलगी, 3 की मिलगी, 5 की मिलगी, 15 की मिलगी, 20 की मिलगी, उन्हें तो दूध की पूर्ति करनी। अंधी काणी लुल्ली लंगड़ी जैसे ही मिल जा भैया, हमें तो फटाफट दूध खींचना, उतनी उसमें मिलावट करनी और अपनी पूर्ति कर देनी। तो दोस्तों ये चीज़ है, आप दोस्तों इसे साबुत पत्ते खिला रहे हैं तो इसके दस्त बंद हैं आप बिल्कुल। छोटी सी टैबलेट दे दी थी एक, इसे लाकर सूजी चोकर की जगह सूजी दे दी थी थोड़े से भुस्से में, उससे भी इसे आराम मिला। तो इंजेक्शन नहीं लगवाए थे इसका, क्योंकि थोड़ा कमज़ोर हो गया दस्त लगने की वजह से। बाकी दोस्तों ये गौर करें, देखो इसमें भी यही खूबी निकली कि ये जब चारा खाती है तो कभी भी पैर नहीं पटकती, इधर उधर नहीं भागती, ना ये कभी मुंह बाहर निकालती चाहे इसके द्वारा कोई आ जाओ। तो दोस्तों यही चीज़ रखें गौर, पशु आपको लेट मिल जाए लेकिन कभी भी वास्तु दोष वाला पशु कभी लेना नहीं चाहिए, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। हमेशा घर में शांति बनी रहेगी, घर में हमेशा दूध रहेगा। बाकी दोस्तों करने वाला तो देखो ऊपर वाला है, जिनके घर में इस तरह के बच्चे या इस तरह के पशु पैदा हो जाते हैं, देखो पालते हुए भी हैं तो बुज़ुर्गों की बात यही है। लेकिन अगर आप बाहर से खरीद के ला रहे हो तो कम से कम इस चीज़ का ध्यान रखो कि जो पशु आप गए और उसके दोनों साइड में चारे के ढेर लग रहे हैं, उस पशु को कभी लेना नहीं चाहिए। अगर पशु खोर में मुँह दे के नहीं खा रहा, मुँह मार रहा है बाहर निकाल रहा है, मुँह मार रहा है बाहर निकाल रहा है, कभी नहीं लेना चाहिए। दोस्तों अब चलते हैं जी, थोड़ा सा धूप निकली है, खेत में घूम कर आते हैं फटाफट। दोस्तों अब यहाँ से मोहित भाई का आपको नक्शा दिखा देता हूँ, देखो फिर तो बन जाएगा मकान, घर बन जाएगा। ये देखो जी, ये देखो कितना शानदार नक्शा लिया है। दोस्तों पहला घर ऐसा बना हुआ था, ऐसे बन के ऐसे बन के ऐसे बना हुआ था, मतलब हवेली टाइप ही नक्शा था मुखियाओं का। तो दोस्तों देखो घेर का गेट बच गया है, वहाँ घेर ऐसे का ऐसे ही रहेगा, उधर पेड़ भी बच जाएगा। इन्होंने पेड़ बचाने के लिए अपना नक्शा चेंज कर दिया, क्योंकि दोस्तों इतना बढ़िया पेड़ दोबारा नहीं बन सकता। तो ये देखें जी, यहाँ भी देखो कितनी ऊंचाई गई है, पैरेलल एंट्री यहाँ था, इससे जो है 4 फीट ऊपर चला गया। तो बढ़िया ऊंची कोठी बनेगी ये नए मॉडल की। राम राम जी। और रोहित लग रहे हैं, और रोहित बढ़िया, एक देखो जी ये होती है मेहनत, ये हाँ असली मुखिया। एक एक बजरी जो है अपनी, अब ये धोई जाएगी, साफ करी जाएगी। और दोस्तों देखो घेर की जगह भी काफ़ी बच गई,
तो इन्होंने पेड़ की वजह से थोड़ा नक्शा चेंज कर दिया। फिर दोस्तों एक गेट यहाँ आ जाएगा, घर का गेट वो रहेगा उधर से, ज़्यादातर यूज तो खैर यही होगा क्योंकि घेर में वाहन आ गया, घेर में बुग्गी आ गई, गाड़ी आ गई, इधर ही खड़ी होगी, फिर जो है यहाँ से ही अपना कार्यक्रम चलता रहेगा। उधर का तो बस वो इन्होंने वास्तु के हिसाब से कोठी का गेट ले दिया। बाकी आपको दिखाता हूँ, देखो ज़्यादातर जब मकान बनते हैं तो पशुओं पर दिक्कत आती है, लेकिन ये देखो जी, ये तो बछिया कितने दिन की ब्यागी, एक महीना भी ना हुआ दोस्तों। ये बछिया है जी पहली बार की, ये वाली साहिवाल है, ये पहली बार की है। वो कितनी बार ब्याली इसकी माँ, तीन बार, वो तीन बार ब्याली। और दोस्तों फिर ये देखो जी, मोहित भाई इस भैंस की ज़्यादातर वीडियो बनवाते नहीं, ये नीली रावी से ही मुर्रा, काली मुर्रा बनी है देखो। ये देखो यो कितने कितने दिन में ब्याह लेगी, दो महीने इसकी वो कटिया। दोस्तों कटिया देखो, कहीं भी घूम लियो ये ऐसी कटिया ना मिलने की। ये देखो, ये देखो यो कितने दिन की होगी, एक साल से ऊपर की होगी। अब इसकी माँ ब्याही कहाँ है। हाँ 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 हाँ, एक साल की कटिया होगी। और दोस्तों भैंस समन ने आपको दिखाई रखा, देखो मोहित भाई का योरा इतना शांत है जी, देखो भैंस के दोरी बंध रहा, देखो ये यहाँ कुट्टी मशीन पे भी दोस्तों इस पर पूरे पे छावा होगा, जो उधर से गाटर निकले हैं शायद मुझे लगे यो डाला कट सके, हाँ वो रह जाएगा उधर का, वो बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों देखो भाई ने बड़े ही आराम से, गर्मी बहुत पड़ी लेकिन इस नीम ने इनके पशु बचाए रखे, नहीं तो ज़्यादातर जो मकान बनाते हैं वे अपने पशु या तो शिफ्ट करते हैं या बेचते हैं। तो कटिया देखो जी आप, माँ से भी श्रेष्ठ आएगी, लेकिन माँ जो है नीली रावी से आई हुई है, तो दोस्तों इसीलिए मतलब जितनी बड़ी भैंस है उतनी बड़ी जड़ है इसके नीचे, तो ये चीज़ है। बल्कि देखो जैसे एक साल की कटिया इसके बराबर होगी, तो वो कटिया ऐसी हो सके जैसी वो व्यापारियों को दी थी, इसकी मौसी थी वो, बहुत शानदार भैंस थी भाई। हाँ अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों देखो किसान के पास में कितने शानदार पशुओं का कलेक्शन है, तो ये चीज़ है जी, ये होता है सबसे बड़ा धन। लेकिन इन्होंने जो था फिर भी पेड़ को पूरा पूरा बचाने की कोशिश करी है कि नक्शा ऐसे हिसाब से लिया जो पेड़ को हानि ना हो। तो दोस्तों यही है जी, पेड़े लगाओ, राम राम जी, चलते हैं जी खेत में। आखिरकार दोस्तों बिजनौर के गांव नागल सोती से पंखड़ी लेकर गाड़ी पहुंच गई है दोस्तों, 200 कुछ किलोमीटर का सफ़र करा है जी, और जिन्होंने टिंग टोंग दोस्तों असली खोज करी जी बबलू भाई ने, देखो और बिल्कुल वही खोज कर दी जैसा कभी बैल लो पैर झोटो पर चलक रही थी, वो बिल्कुल सेम उसी की खोज कर दी। पहले तो सभी भाइयों को राम राम, सत श्री अकाल कहना पड़ेगा भैया का। हाँ जी सलाम भाई। ये चीज वहां से लाए जिन्होंने 1960 में हल बनाया था। हाँ। और 9 रुपए का सेल करा था, 7 रुपए का खर्चा आया था। हाँ हाँ, बहुत कम मार्जिन पे वहां से लाया हूँ आज। अच्छा, इस तितली के असली जनक है। हाँ मतलब जिसकी मतलब नाम ले लेकर लोगों ने डुप्लीकेट ना उनके कोई फ्रेम है ढंग के। हाँ। कुछ नहीं मतलब सब बेच गेरी उन्होंने, बेच गेरी और बेच भी रहे हैं, जिनमें कुछ नहीं है, नाम तो इस तितली का हो रहा। हाँ। और वे उनपे एक बार बना दे काट पीट के फिर उन्हें वे लगते फिर किसान भी परेशान और वेल्ड भी टूटते रहे उनके। बिल्कुल दोस्तों बहुत मजबूत बना रखे हैं, आपको दिखाऊंगे जी। और दोस्तों कमाल देखो, खोज के बाद में जो है हमारे से पहले तो हमारे कम से कम 10 जानने वाले तो ले आए वंश है। तो यू है तो बबलू भाई, पहले तो जी आपको नमस्कार, बड़ी हिम्मत हमारी सुबह से। तो भैया बताओ आज बारिश की क्या स्थिति रही। बारिश की हमारे यहाँ नहीं पड़ी ना, यहाँ तो झारा से ही आया बस। झारा पापा के फोन में वीडियो है, एक थार वाले नाम भेज भी दिए थे भाई, थार वालों की तो सारी माफ है। अब जा गर्मी में चल रहे, तो भैया पूरी बारिश रही। ऐसा मान लो जैसे हम मीरापुर गए, झारा झारा सा आ रहा था। हाँ। और मीरापुर से जो बिजनौर वाले हाईवे पे हम जाएंगे तो वहां जाते कुछ तो वो रोड ऐसी हो रही कुट्टी पुट्टी सी, थोड़ा सा और आगे चले मतलब बैराज के पुल से थोड़े पहले ही पूरी तेज हो गई थी। तो भैया आना जाना कितना पड़ गया हमारे घर से। आना पड़ गया होगा भैया जी, देखो इतना कितना हो रहा है इसमें, तो मेरा अंदाजा तो 200 को कुछ किलोमीटर पड़ा, पार है। तो 200 कुछ ही पड़ा ना, 65,779 है तो 225 किलोमीटर बैठ गया, 220 ना 100 कुछ है ना यहाँ से। बिल्कुल, अरे बाबू की तो एवरेज का जिक्र ना करो, टाटा की गाड़ी भैया, एवरेज का रिकॉर्ड तोड़ने हैं जब लंबी चले हैं। तोड़ दिया जी भाई, कुछ भी हो बुलेट से अच्छा एवरेज आ जा, हमने देख लिया। और गाड़ी की गाड़ी
यो है। तो दोस्तों खैर बुलेट तो बहुत दिन चलाई हमारे, 30-35 साल बुलेट रही, तो यो है। तो दोस्तों यो देखो जी, अब मजबूत देखो, मेरे जितनी हाथ की मोटाई है यहाँ से, उससे भी ज्यादा मोटी तो हैंगल लग रही है। यो प्लेट देखो कितनी हैवी लग रही है, मिस्त्री का भी कमाल है बबलू इनका। और यो देखो जी पणस, पणस कितनी मोटी दोस्तों, पणस बहुत मोटी। और दोस्तों यो दो बार गाड़ी जा रही वहां बबलू भाई के मित्रों की, वे अपनी अपनी ले आए, उनकी गाड़ी मार नहीं पाई क्योंकि दोस्तों इसे पिछली सीट पूरी चाहिए है। और फ्रेम इसका पीछे रखा जोरा दोस्तों, निकाल लेंगे आपको दिखाओगे। और देखो कितनी बढ़िया। तो इनका मिस्त्री साहब का नाम क्या है जी? इनका नाम है जी शरद कुमार। अच्छा, जो ये खत वाले जो मिस्त्री थे? अच्छा, अपने घर में बनावे? प्योर लोहार है, उनकी वीडियो कल पब्लिश करेंगे, किसान की सोच। अच्छा, तो पहले इनके पिताजी बनावे थे? अभी पिताजी है। अच्छा, पिताजी अभी बना रहे? बहुत बढ़िया। पापा जी नमस्ते, बड़ी हिम्मत मारी। हाँ, फ्रेम भी तकड़ा हुआ है बहुत, सबसे हैवी वाला बनवाया था हमने, सबसे हैवी वाला बिल्कुल। हमारा ट्रैक्टर जो है कितने, तो ये दोनों चीज कितने किलो में बोलू भैया? ये 41 किलो 700 ग्राम तो यू है फ्रेम। और दोस्तों एक बात देखो जी, उनकी पेंट नहीं करते जी वे, उनके वहाँ पेंट का मुझे लगा प्रोसीजर ही नहीं है। पेंट का इसलिए नहीं कर रहे कि अगर पेंट करेंगे तो फिर ये जीएसटी में आ जाएगी। जीएसटी में भी उनका काम छोटा ही है। हाँ, बड़ा नहीं। मतलब अभी उन्होंने ये मान लो कि लोहार से वे इस तरफ बढ़ गया अब जा, है ना, वे सारा काम करेंगे धीरे धीरे। बिल्कुल यही है, तो वे तो अपने घर में ही करते दिखे मुझे लगे। बहुत बढ़िया दोस्तों, आखिर बहुत बढ़िया खोज हुई। और दोस्तों ये बात नहीं है कि यो यहीं आया यंत्र, ये तो भाइयों ने सफलतापूर्वक अपने खेतों में चला रखे। और यो तो है 4x4 ट्रैक्टर, ये 4x2 जो है स्वराज का 17 जो है वो खींच रहा 4x2, और बिल्कुल ढाल चले है। तो यो कितने वेट में जी बोलू भैया फ्रेम में? 41 किलो 700 ग्राम। और उसका वेट? 30-35 किलो। ठीक है, तो इनकी दोनों की मिला के कीमत कितनी बैठेगी? इनकी बैठेगी 6500 की तो वो है। अच्छा, और यो लगा लो जी आप 130 रुपए किलो यो दिया। अच्छा, चलो तो ठीक है, पूरा असेंबल हो गया। नहीं हैवी बनवा लो। अच्छा, हमने हैवी इसलिए बनवाया, ढाई के बक्से का, ये दो में भी चल जा। ढाई के बक्से में ये नू बनवाया है कि इसमें जो है यो एट लो, मान के चलो 5000 का यो बना, और यो एट जाओ तो 5000 का फिर भी तो बनवाना। तो 10000 देने से बढ़िया 5 में तकड़ा। हाँ, अब यो ऐसा है तनमंजी कहीं को जड़ पड़ आ जाओ या नीचे कोई रोड़ा पोड़ा आ जाओ मुझे नहीं। बिल्कुल। तो दोस्तों अभी से उतार लेते हैं जी नीचे फ्रेम को। दोस्तों अंश की फरमाइश की वजह से अभी से दोस्तों हम साथ के साथ ही असेंबल कर रहे हैं इसमें। तो इसमें दोस्तों इन्होंने इतना बढ़िया कर रखा है कि इसमें ये लगा के दी है जंजीर, बहुत बढ़िया। और दोस्तों बहुत ही शानदार वो एक टीलर भी बना रहे हैं जिसकी 11000 रुपये कीमत है, जो कि ट्रेंच का बहुत ही अच्छा जाम वाला बगैर स्प्रिंग का है वो। तो दोस्तों इसमें जगह नहीं थी गाड़ी में, नहीं तो साथ के साथ वो टीलर भी आता है इसमें रख के, तो वो बहुत बेहतरीन है। और दोस्तों उसकी एडजस्टिंग अच्छी है, तो वो भी आपको जल्दी दिखाएंगे जी। तो दोस्तों असेंबल कर दी है ये इसमें, और कोई बैलेंस ख़राब नहीं है, आराम से टिक रही है, आराम से ट्रैक्टर पर जुड़ जाएगी। तो दोस्तों ये इसका जो आगे की जो पणस है बहुत तेज है, तो इस पर जो है कट्टा बांध दिया है यहाँ। और बाकी दोस्तों वही है बिल्कुल पैटर्न, देखो यहाँ से ढलाई है, ये कर्व है कि हाँ एक इसके बीच में ऐसे ढलाई है, ये जो है यहाँ गोड़ाई है यहाँ इसमें, तो इसकी और यहाँ से ऐसे है। तो दोस्तों ये चीज़ है जी कि ये भी जो है अंश ने लगवा दिया। अब ये नाप तोल करके बिल्कुल यहाँ से पूरा ऐसा अलाइन करना है, इसे ऐसा करना है हल्का सा फ्रेम को बिल्कुल। अभी थोड़ा सा है, थोड़ा उसकी वजह से मैंने करवा दिया, लेकिन कोई नहीं, अभी इसे ढक देते हैं। तो दोस्तों ये जो है नागड़ सोती में बन रही है जी, मिस्त्री साहब हैं जी, लोहार हैं पुराने, तीसरी पिड्डी चल रही है जी उनकी। तो दोस्तों यही है जी, अब सब सो गए हैं, हम मैं भी यहाँ से काम निपटा के चल रहा हूँ जी। यहाँ तक की वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, धन्यवाद, जुड़े रहिए। टिंग टोंग चुली बुली।